हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा ठंडी, परफेक्ट टाइमिंग पे उठी हूँ इसलिए इतना खुश हूँ। अभी हो रहा है 6:44 एंड यू वॉन्ट बिलीव, 6 बजे सलाम बज रहा था बट मैं 6:44 पे उठी हूँ। 6:44 एंड आई एम फीलिंग गुड। ओह माय गॉड, आई जस्ट लव व्लॉगिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन पीपल से दैट यू आल्सो लव वॉचिंग माय व्लॉग्स। आई फील सो कनेक्टेड, मतलब एक मोबाइल के सामने आई जस्ट एक्सप्रेस ऑल ऑफ माय फीलिंग्स एंड व्हाट आई एम डूइंग थ्रू आउट द डे एंड हाउ एम आई फीलिंग, व्हाट आई एम लर्निंग विदाउट एनी शेम, एंड यू गाइस वॉच इट एंड लाइक दिस इज काइंड ऑफ मैजिक दैट इन फ्रंट ऑफ कैमरा आई फील लाइक आई एम टॉकिंग टू यू ऑल गाइस, thousands of people, and yeah, see the smile on my face. I just imagine that I'm talking to you all guys and I get this so much of energy to express myself in front of camera, and I think that ye sab nahi kar sakta hai. Yeah, mere friends nahi kar sakte hai, and I just love camera. सो वट आई एम गोना डू इज आज का बहुत ही बेहतरीन काम करने जा रही हूँ आज, क्योंकि देखो मैंने कल शूट नहीं किया है व्लॉग क्योंकि मुझे लगता था कि नोबडी लव्स वॉचिंग माई व्लॉग्स, बट देन वन ऑफ माई सब्सक्राइबर ऑन इंस्टाग्राम सेड दैट आई जस्ट लव वॉचिंग योर व्लॉग्स आर सो मोटिवेटिंग। आई वॉज लाइक आई नेवर ट्राई टू मोटिवेट देम बट आई डोंट नो हाउ दे गेट मोटिवेटेड बाय माई एवरी वीडियो। सो या ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आई स्टार्टेड रीडिंग दैट सेम बुक एटॉमिक हैबिट्स। ये पता है ख़त्म होने वाली, बिल्कुल लास्ट चैप्टर्स पे थी मैं और ये ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो चुकी है और मुझे अच्छा लगा। और तुम लोग मेरे वीडियो से इसलिए मोटिवेट होते क्योंकि तुमको मैं वीडियो में भी वही गाइडेंस वाली मेंटर दिखती हूँ शायद इसलिए। तो फिर मैं 1 घंटे बाद एनाटॉमी चालू कर दिया यार। हैंड बुक 2nd चैप्टर स्केलेटन, यार मुझे ना इतने इंटरेस्ट नहीं आ रहा है एनाटॉमी में क्योंकि इतने अच्छे वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। वो सर कुछ और ही पढ़ा रहे थे और बुक में कुछ और ही लिखा था लेकिन मैंने एडजस्ट कर लिया। गाइस, मम्मा ने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है, लाइक इसका बेस मैगी का है और ये पूरा पिज्जा की तरह दिख रहा है। सो इट्स अ हाइब्रिड ऑफ मैगी पिज्जा, जिसको मैगी और पिज्जा दोनों पसंद है। मैं सच बता रही हूँ, लाइक सीरियसली मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, इतना ज्यादा मुंह में पानी आ रहा था। ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, लाइक सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है कि मैगी है कि पिज्जा है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, 1 मिनट शॉर्ट्स। ओह माय गॉड, दिस इज सो डिलीशियस और ऐसा मतलब एकदम न्यू सा टेस्ट आ रहा है, लग रहा है क्या है, बहुत टेस्टी है, मस्ट ट्राई। काफ़ी बच्चे ना ये स्टॉप वॉच का मांग रहे थे लिंक, तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी क्योंकि डिस्क्रिप्शन में 5000 वर्ड्स से ज़्यादा हो गया है। सो मैंने स्टार्ट किया है न्यू बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी और ये बुक सच में यार हार्ड है। ये हमारे एज के लोग के लिए है नहीं बट मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ। Hi guys, so I started a new book, Psychology of Money, and this is really hard to understand और मुझे इतना interest नहीं आ रहा है बट मैं ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ ले रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना था ये book। And today I was productive for 3 hours 34 minutes 34 second 1 millisecond। पता है मेरी ना consistency break हो गई थी। Actually रोज कोई काम करना ना बहुत difficult होता है, चाहे वो vlog बनाना या edit करना ही हो। तो एक बार ही ना मेरे दिमाग में ये थॉट आया सेल्फ डाउट कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। जस्ट 1 कमेंट कि तुमने अपने चैनल पर नीट एस्पिरेंट्स का सब्सक्राइबर्स लेके नाउ यू आर पोस्टिंग व्लॉग्स, तो मेरे को लगा मैं तुम लोग के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं कभी तुम लोग के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती हूँ। फिर मुझे लगा क्या मेरा व्लॉग्स देखने में तुम्हारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है या डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हो। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट यू गाइज। फिर उस दिन ना पता है मैंने व्लॉग ही शूट नहीं किया, मुझे वो कमेंट बहुत बुरा लगा। फिर रात को मैंने उसको ना कमेंट मतलब रिप्लाई किया कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ मेंटर जो जिंदगी भर नीड गाइडेंस पे वीडियो बनाती रहे। एक लिमिट होता है कि आप उधर तक ही गाइड कर सकते हो। मतलब पता है मैंने ना पहले तुम लोग को, अगर जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है मैं एक दिन में 4 वीडियो तक पोस्ट करती थी कि एटलीस्ट दिसंबर तक मैं सारा कंटेंट कंप्लीट कर दूँ ताकि तुम जनवरी से मन लगा के पढ़ो, क्योंकि एक तरीका सिखाना होता है ना
पढ़ने का, तो वो अगर एक बार सीख लेता है इंसान तो बस उसको खुद से पढ़ना होता है। और मैंने हमेशा तुम लोग को बोला है कि मेरा व्लॉग खाना खाते समय देखा करो, अरे ज़्यादा समय का होता नहीं है, तो जब तक तुम्हारा खाना खत्म होगा मेरा व्लॉग भी खत्म हो जाएगा। पर यार मुझे समझ नहीं आता लोग मुझे इतना जज क्यों करते हैं। और तुम्हें पता है, मतलब मेरे को ऐसा फील होता है ना कि मैं अपने चैनल पे 194 वीडियोस डालने के बाद मेरा 27 के सब्स है, एंड किसी किसी का चैनल इतना भयंकर ग्रो करता है ना, मुझे देख के पता नहीं क्यों बुरा लगता है। एक्चुअली नहीं लगना चाहिए, पर मेरे को लगता है किसी किसी का चैनल यार 10-12 वीडियो पे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, पता नहीं यार मुझे क्यों इतना ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए दूसरों से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। पता नहीं ये मिसकंसेप्शन है मेरे दिमाग में कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे लगता है मिलता है। लाइक अभी मैं ना कभी कभी अभी तक सोचती हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा साल बर्बाद हो गए नीट प्रिपरेशन में, तो मैं काफ़ी लोग से पीछे हूँ, पता नहीं ये थॉट मेरे दिमाग से जाता नहीं है। और तुम्हें पता है एक चीज़, मैं तुम लोग को बताऊँ, मेरा यूट्यूब एडिक्शन ज़ीरो हो गया है, ज़ीरो। मैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस नहीं देखती हूँ, कोई भी वीडियोस नहीं। अपने मम्मा के शॉर्ट्स देखती हूँ, अपने वीडियोस देखती हूँ कि कुछ वीडियो में गलती तो नहीं हुई है, और काम की वीडियोस जैसे कोई ऑडियो बुक हो गया या पढ़ाई की वीडियोस हो गई, और मैं कोई भी व्लॉग्स कोई भी वीडियो नहीं देखती हूँ। और पता है मैंने ये कैसे मतलब ओवरकम किया? यूट्यूब एडिक्शन मतलब क्या होता है कि तुम फालतू के वीडियोस देख रहे हो जो तुम्हारे काम के नहीं हो। यूट्यूब एडिक्शन मतलब ये नहीं होता है ख़त्म करना, जीरो मतलब ये नहीं होता है कि मैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं देखती हूँ। फालतू के टाइम वेस्ट करने वाली वीडियोज़ अगर तुम नहीं देखते हो तो मतलब तुम्हारा कुछ यूट्यूब एडिक्शन नहीं है। पता है जब भी मैं यूट्यूब वीडियो किसी का खोलती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि क्या ये मुझे आगे लाइफ में काम आएगा, क्या ये जो अभी मैं 10 मिनट भी, अगर 10 मिनट का भी कोई का वीडियो है तो ये मैं देखूंगी, तो ये मुझे मतलब क्या मुझे ये वीडियो सक्सेसफुल बनाएगा, मैं इतने दूर का सोचती हूँ। तो फिर मैं तुरंत बंद कर देती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग से आवाज़ आता है कि नहीं तनीषा नहीं, ये गलत है। तो तुम लोग भी ये करके देखना, मैंने काफ़ी कमेंट पढ़ा था मेरा यूट्यूब एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन है, तो ये चीज़ कॉन्शियसली तुमको सोचना पड़ेगा कि ये तुम्हारे नीट प्रिपरेशन में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो मत देखा करो। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, बाय।